आज मैं आई एम लेजेंड मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी 2007 में रिलीज हुई थी। तो मूवी बेस्ड ऑन बेसिकली एक वायरस के वजह से पूरे दुनिया में 90% पॉपुलेशन खत्म हो चुका था और कुछ लोग क्रिएचर्स बन गए थे। मूवी में इसे डार्क सीकर्स बुलाया गया है। बाय द वे, डायरेक्टर ने मूवी का दो अलग एंडिंग दिखाया है, जो कि मैं दोनों को ही लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रांसिस लॉरेंस ने और IMDb मिला है 7.2 out of 10। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम एक न्यूज़ को देखते हैं, जहां एक डॉक्टर इंटरव्यू में बोल रहे थे कि उसने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है और उसने ये पूरे 10,000 कैंसर पेशेंट के ऊपर टेस्ट किया है, जो कि सफल रहा। खैर, तो फिर मूवी का सीन चेंज होकर 3 साल बाद दिखाती है, जहां न्यूयॉर्क सिटी को हम पूरा खाली देखते हैं। कोई भी लोग नहीं है, एकदम सुनसान। तभी रास्ते से एक कार जा रहा था, जिसके अंदर था विल स्मिथ और उसके साथ था एक जर्मन शेफर्ड जिसका नाम था सैम। तो दोनों हिरण का शिकार कर रहे थे खाने के लिए, बट विल स्मिथ उसका शिकार कर पाए उससे पहले ही एक शेर आकर उस हिरण को ले जाता है। उधर सूरज भी अब ढल रहा था, तो विल स्मिथ और सैम घर चला जाता है। तो उस वायरस से सिर्फ विल स्मिथ ही अब तक जिंदा था और वो लोग सूरज ढलने से पहले इसीलिए घर आ जाते हैं क्योंकि डार्क सीकर सिर्फ रात में ही बाहर आके हमला करता था। डार्क सीकर सूरज की रोशनी को झेल नहीं पाता था। खैर, तो घर में विल स्मिथ सारे दरवाज़ा और खिड़कियों को अच्छे से बंद कर देता है और घर की लाइट्स को भी ऑफ कर देता है। देन जब विल स्मिथ सो रहा था, तभी वो अपनी फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां हम देखते हैं वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल था, जो कि अपनी बीवी और बेटी को लेकर कार से जा रहा था, क्योंकि आर्मी कुछ ही देर में ही उस जगह को सील कर देगा। और वो अपनी फैमिली को बोल रहा था कि कुछ दिनों के लिए खाना और पैसे निकल कर अपने पास रखना। देन वो लोग एयरपोर्ट में पहुंच जाता है, जहां बहुत लोग जमे हुए थे इस शहर को छोड़कर जाने के लिए। फिर विल स्मिथ अपने वाइफ और बेटी को एक हेलीकॉप्टर में बैठा देता है, और जो कि वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल था, तो उसे यहाँ पर ही रहकर हालत को संभालना पड़ेगा। जाने से पहले उसकी बेटी उसको सैम को दे देती है। फिर जब हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, तभी सामने से और एक हेलीकॉप्टर था, इसमें लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे और बैलेंस बिगड़ जाने के कारण दोनों हेलीकॉप्टर एक साथ टकरा जाता है और उससे विल स्मिथ की फैमिली भी नहीं बच पाता। एनीवे, तो फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां विल स्मिथ बेसमेंट के अंदर एक लैब बनाकर एक्सपेरिमेंट करता था, दवाई बनाकर, ताकि जो इन्फेक्टेड है अभी भी उसे ठीक कर पाए। वो बहुत सारे चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था। उनमें से एक चूहा को दवाई देने के बाद थोड़ा ठीक लगा और एग्रेसिव भी नहीं था, तो उसे लगता है कि अब शायद इससे बात बन जाए। उसके बाद वो बाहर जाता है और वो एक काम रोज़ करता था, रेडियो FM के मदद से मैसेज भेजता रहता था कि कोई अगर जिंदा हो तो उसके पास आ जाए, उसके पास खाना है, रहने के लिए जगह है। तो एक दिन सैम को कोई हिरन दिखता है और उसके पीछे पीछे वो एक अंधेरे कमरे में चला जाता है। विल स्मिथ उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है, क्योंकि ऐसे ही अंधेरे जगह पर डार्क सीकर रहते थे। तो वो वहाँ जाकर सैम को ढूंढ लेता है, बट तभी पीछे उसको एक डार्क सीकर देखता है, जो कि उस पर हमला कर देता है। बट जैसे तैसे वो वहाँ से निकल जाता है, बट उसके पीछे आता हुआ एक डार्क सीकर भी बाहर रोशनी में आ जाता है, और ऐसा होते ही वो क्रिएचर पूरी तरह से जल के मर जाता है। तो विल स्मिथ को अपना दवाई टेस्ट करने के लिए एक इन्फेक्टेड आदमी की ज़रूरत थी, यानी एक डार्क सीकर्स की। तो वो एक प्लान बनाता है। पहले तो सैम को सेफली कार में बैठा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सैम इन्फेक्टेड हो जाए। फिर विल स्मिथ एक जाल बिछाता है और एक डार्क सीकर को पकड़ लेता है। वो एक फीमेल की बॉडी थी। फिर लैब में ले जाकर उसे पहले अच्छे से बांध लेता है, और तभी विल स्मिथ उस पर एक बटरफ्लाई की टैटू देखता है, बट उस पर दवाई का कोई असर नहीं होता। इससे विल स्मिथ भी निराश हो जाता है। तो
विल स्मिथ के रिसर्च के दौरान हमें पता चलता है कि उसने एक दवाई तो सक्सेसफुली बना लिया था जो कि वो खुद ले रहा था, मतलब उस दवाई से इन्फेक्टेड होने से पहले बचा जा सकता है, बट इन्फेक्टेड लोगों को ठीक नहीं कर सकता है। इसीलिए अभी तो विल स्मिथ सेफ था, बट उससे फिकर था सैम को लेकर, क्योंकि वो दवाई जानवरों के ऊपर काम नहीं कर रहा था। और उसके मुताबिक आज जब वो उस क्रिएचर को पकड़ रहा था, तभी और एक डार्क सीकर आकर रोशनी में चिल्ला रहा था। वैसे तो वो लोग रोशनी में नहीं आते, तो ऐसे कैसे हुआ? एनीवे, तो नेक्स्ट डे बाहर विल स्मिथ को एक डमी दिखता है जिसे वो हमेशा से ही मॉल में बातें करता रहता था। तो वो हैरान था क्योंकि यहाँ पर तो कोई लोग ही नहीं है, तो उसको बाहर कौन लेकर आया? फिर वो उस पर शूट कर देता है और डमी से पानी बाहर आता है। जब चेक करने के लिए वो वहाँ जाता है, तभी उसका एक पैर रस्सी में लग कर वो वहीं फंस जाता है, मतलब किसी ने उसके लिए ही ये फंदा लगाया था, और उसका सिर टकरा कर वो बेहोश हो जाता है। फिर जब धीरे धीरे शाम होने वाला था, तब उसको होश आता है और अपने जेब से एक चाकू निकलकर अपने आप को छुड़वाता है, बट नीचे गिरते टाइम उसका ही चाकू उस पर लग जाता है। तभी हम सामने एक डार्क सीकर को देखते हैं जो कि अगले दिन बाहर आके चिल्ला रहा था। वो तो इन्फेक्टेड कुत्ता उन पर छोड़ देता है। विल स्मिथ तो जैसे तैसे दो कुत्तों को मार देता है, बट एक कुत्ते ने सैम को काट दिया था जिससे अब उस पर इन्फेक्शन फैल रहा था। घर जाकर विल स्मिथ उसको दवाई देकर ठीक करने की कोशिश करता है, बट सैम पर कोई भी दवाई काम नहीं करता। फिर मजबूरन सैम जॉम्बी बने उससे पहले ही उसको अपने ही हाथों से मार डालता है। यहाँ पर विल स्मिथ बहुत टूट चुका था क्योंकि उसकी फैमिली सब कुछ सैम ही था जिससे वो बातें करता था, एक साथ मिलकर खाना खाता था, समय बिताता था, बट अब सैम भी नहीं रहा। खैर, तो अगले दिन विल स्मिथ गुस्से से बाहर निकलकर रात का वेट करता है। फिर बहुत सारे डार्क सीकर्स को वो मारता भी है, बट वो भी अब कमज़ोर पड़ चुका था। देन और एक डार्क सीकर आता है जो अगले दिन दो कुत्तों को छोड़ा था। वो सबका लीडर था, अल्फा, जो विल स्मिथ को मारने ही जा रहा था। तभी एक बहुत तेज़ रोशनी आती है और उससे सभी भाग जाते हैं। फिर कोई विल स्मिथ को उसका ही एड्रेस मांगता है। विल स्मिथ बहुत मुश्किल से एड्रेस देकर बेहोश हो जाता है। फिर सुबह जब उसे होश आता है, तब वो घर में दो लोगों को देखता है, ईथन और एना। उन लोगों के मुताबिक वो लोग विल स्मिथ का रेडियो ब्रॉडकास्ट सुनकर ही यहाँ पर आए थे उसे ढूंढने के लिए, बट रात को उन लोगों को वो वहाँ डार्क सीकर्स के बीच मिले। तो एना का कहना था कि सबको यहाँ से जाना चाहिए उस बस्ती में जहाँ और भी लोग हैं, पहाड़ के उस तरफ जहाँ पर डार्क सीकर्स को ठंड बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए अभी भी वहाँ कुछ लोग बचे हुए हैं। पहले तो विल स्मिथ इस सब के ऊपर बिलीव नहीं करता, फिर बाद में बोलता है कि वो इस जगह को ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि वायरस यहाँ से ही शुरू हुआ है और उसे यहाँ रहकर ही उसे ठीक करना पड़ेगा। फिर विल स्मिथ उसका पकड़ा हुआ उस डार्क सीकर के ऊपर बर्फ में सुलाकर उसको दवाई देकर टेस्ट करता है। दिन जब रात हो जाती है, तब घर के बाहर विल स्मिथ कुछ डार्क सीकर को देखता है। एक्चुअली जब अगले दिन एना उसे लेकर घर ले आई थी, तब उन लोगों ने घर का पता लगा लिया था। खैर, तो विल स्मिथ ने कुछ बॉम्ब लगाया था घर के आसपास, उसे ब्लास्ट होकर कुछ तो मर जाते हैं, बट और भी ढेर सारे डार्क सीकर चले आता है। फिर विल स्मिथ सबको लेकर लैब में चला जाता है जहां वो देखता है कि वो फीमेल वाली डार्क सीकर अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, बट तभी वहां पर भी सारे डार्क सीकर्स आ जाते हैं और विल स्मिथ सबको लेकर एक बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर बंद कर लेता है। देन वो सबको समझाने की कोशिश करता है कि उसे इस वायरस की इलाज मिल गया है और वो सबको ठीक कर सकता है।
तो अब यहाँ से दो एंडिंग पार्ट शुरू होती है। पहला एंडिंग है विल स्मिथ की बात सुनकर एक डार्क सीकर्स मतलब सबका लीडर अल्फा आकर दरवाजे के ऊपर जोर जोर से पीटने लगता है। उससे क्रैक होकर एक बटरफ्लाई की शेप में आता है, जिसे देखकर विल स्मिथ को अपनी बेटी का याद आता है और तुरंत उस डार्क सीकर का ब्लड एक ट्यूब में भर लेता है। फिर एना और ईथन को एक सेफ चेम्बर में भेज देकर उस ब्लड को दे देता है, क्योंकि जो कि अब एक डार्क सीकर्स ठीक हो गई थी तो ये ब्लड ही अब इन्फेक्टेड लोगों का इलाज हो जाएगा। देन विल स्मिथ अपने बेटी और वाइफ के फोटो को देखती है। फिर एक बॉम्ब लेकर विल स्मिथ अल्फा के तरफ भागकर अपने साथ साथ सारे डार्क सीकर्स को मार डालता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम एना को देखते हैं, जो कि उस बस्ती में जाकर उस ब्लड को उन लोगों के हवाले दे देती है। और दूसरे एंडिंग में हम देखते हैं कि जब अल्फा उस दरवाजे को पीट रहा था तभी खून से वो एक बटरफ्लाई बनाता है, जो कि ऐसा ही एक बटरफ्लाई उस फीमेल डार्क सीकर की गर्दन में था। तो यहाँ विल स्मिथ समझ जाता है कि ये अल्फा उस फीमेल डार्क सीकर के लिए ही आया है, तो वो उसे अल्फा के हवाले कर देता है और अल्फा सभी को ऑर्डर देता है कि वो उसे ना मारने के लिए सभी वहाँ से चला जाता है। देन सीन शिफ्ट होकर हम विल स्मिथ और एना को एक साथ देखते हैं, जो कि वो लोग इस शहर को छोड़कर बाकी बचे हुए लोगों के पास जाता है, जहाँ अब विल स्मिथ दवाई देकर लोगों को ठीक कर पाए। और इसी के साथ साथ मूवी भी ख़त्म हो जाती है। बाय द वे, मूवी के मेकर्स चाहते थे कि मूवी का और भी एक पार्ट आए, इसीलिए सेकेंड एंडिंग पार्ट को भी शूट किया गया था, बट अभी नहीं लगता कि इसका और कोई पार्ट आएगा। और मेरे हिसाब से मूवी के पहला एंडिंग पार्ट ही अच्छा है, जिसमें एंडिंग को एक अच्छे से ख़त्म कर दिया गया है, मतलब आप इसे लॉजिकल मान सकते हो। एनीवे, तो आपको कौन सी वाली एंडिंग ज़्यादा पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।